हरिओम श्री राम अम्बन्या। मेरा नाम विशाल प्रमोद जोशी है। मैं 2001 साल से बापू परिवार में हूँ। बेसिकली मैं ठाणा का रहने वाला हूँ और पिछले 4 साल से मैं यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहा हूँ। 2008 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और आज तक मेरा ये मानना है कि हमारे लाइफ में जो भी डिसीजंस हुए, इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन माय करियर लाइफ या अपना फैमिली लाइफ हो, वो सब में जो भी डिसीजंस हुए हैं वो बापू के कृपा से हुए हैं और आज तक उनमें मुझे सफलता ही सफलता मिली है। 2008 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। मुझे एक छोटे कंपनी में पहले जॉब लगा, वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और 2011 में मुझे लार्सन एंड टुब्रो में जॉब मिला। जॉब अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश थी कि मुझे एक बार फॉरेन में काम करने का मौका मिले। मैं बापू से कहता था कि बापू, जब भी मुझे आपको लगता है सही होगा, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं वहाँ पर आपको काम अच्छी तरीके से करके दिखाऊंगा। और जब भी हम कुछ बापू से मांगते हैं तो हमें मिलता नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। जब भी आप बापू से मांगोगे, अगर वो आपके लिए सही होगा तो आपको 100% मिलेगा। उसी तरीके से 2012 में मुझे वीज़ा यूनाइटेड स्टेट्स की वीज़ा अपॉर्चुनिटी मिली और 2013 में मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार ट्रैवल किया। मेरी पहली असाइनमेंट ख़त्म करने के बाद मैंने मेरे वाइफ और मेरे डॉटर को भी, तभी वो 1 साल की थी, उनको भी यूनाइटेड स्टेट्स में बुला लिया और पिछले 3-4 साल से हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं। हुआ ये कि 2 साल पहले मैं एक्चुअली वहाँ पर विस्कॉन्सिन स्टेट में रहता हूँ। विस्कॉन्सिन स्टेट में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है विंटर मंथ्स में। तो एक दिन ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्नो गिर रहा था और हमारा कुछ राशन ख़त्म हो गया था, तो मैं और मेरी वाइफ और मेरी डॉटर, ऐसे हम तीनों कार से वॉलमार्ट जा रहे थे। वॉलमार्ट जाते समय हुआ क्या, मेरे बाजू में एक गाड़ी जा रही थी जो कि बहुत तेज़ी से आई वो टाइम पे, और मुझे ऐसे लगा कि वो शायद मुझे हिट करेगा। तो मैंने सेव करने के लिए मेरी गाड़ी थोड़ी साइड में ले ली, लेकिन उस वक्त हुआ क्या कि मेरा गाड़ी का जो पीछे का पहिया था वो स्नो में धंस गया और स्नो में धंसने के कारण वो गाड़ी स्लिप होना चालू हो गई। जिसने स्नो में भी ड्राइविंग किया है उनको पता है, एक बार स्नो में ड्राइविंग चालू करते अगर गाड़ी स्कीड होती है तो आपका कोई भी कंट्रोल गाड़ी पे नहीं रहता है। गाड़ी कहीं भी जा सकती है, पलटी भी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा लग भी सकता है। वो टाइम पे जब मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी अब फिसल रही है और मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं है, मेरे मुंह से सिर्फ 3 ही वर्ड आए, बापू बापू बापू, बाकी मुझे कुछ नहीं सोचा। वो टाइम पे गाड़ी का स्पीड बहुत स्लो हो गया, गाड़ी धीरे से जाके पेड़ से टकराई, लेकिन हमको किसी को कुछ भी खरोच नहीं आई। गाड़ी के एयरबैग्स भी ओपन नहीं हुए और गाड़ी का थोड़ा सा लिटिल डैमेज हो गया, लेकिन हमको किसी को कुछ भी खरोच नहीं आई। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ क्योंकि बापू वहाँ पर थे और बापू हमारी सहायता कर रहे थे। दूसरा अनुभव ये है कि वो सब हमारे ज़िंदगी में छोटे मोटे अनुभव तो आते ही रहते हैं, लेकिन फिर जब 4 साल मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में हो गए तब मुझे डिसाइड करना था कि अब मुझे यहाँ पर ही जॉब करना है या मुझे इंडिया में आना है। तो हमने डिसीजन लिया कि ठीक है, अभी और एटलीस्ट 3-4 साल तो वहाँ पर रहना है। तो उस तरीके से मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बापू के कृपा से मिली। दैट कंपनी, वो जो कंपनी है वो भी सेम स्टेट में है, लेकिन उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो चाइना में है। तो मेरा पेपर वर्क सब ट्रांसफ़र हो गया था, लेकिन मुझे कंपनी के काम से चाइना जाना था। अब जो US में काम करते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर आप पेपर वर्क ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर जाते हो तो वापस आने के लिए आपको स्टैम्प वीज़ा चाहिए। तो मेरा पेपर वर्क सब क्लियर था, हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कंपनी का भी काम है तो मैं जाके आता हूँ। सिर्फ 2 वीक का ही सवाल था, मेरे डॉटर का स्कूल चल रहा था इसके लिए और वो ऑफिशियल ट्रिप थी, तो उनको भी लेके जाना या उनको इंडिया भेजना पॉसिबल नहीं था। तो मैं कंपनी के काम से पहले हांगकॉन्ग में गया। मेरा प्लान ये था कि मैं स्टैम्पिंग करूँगा, वहाँ से चाइना जाऊँगा, काम निपटा के सीधा स्टेट्स वापस चला जाऊँगा। लेकिन फिर मैं जब हांगकॉन्ग में इंटरव्यू देने के लिए गया, उन्होंने सब क्वेश्चन पूछे, मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, सब किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन आप पिटीशन में ट्रांसफ़र किया है तो अभी हमको ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। अब उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि ये सब प्रोसेस में कितने भी टाइम जा सकता है, आपको 6 महीना भी लग सकता है, आपको 1 वीक भी लग सकता है, आपको 1 साल भी लग सकता है, और उसमें आप कुछ एक्सपीडिटेड प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, उनको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक सदमा था कि अब करें क्या, क्योंकि मेरी वाइफ और डॉटर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, मेरे पेरेंट्स जो है वो अभी इंडिया में है और मैं खुद हांगकॉन्ग में हूँ, और ये टाइम पर करना क्या है। तो वही उसी हिसाब से मैं चाइना गया, मेरा काम फिनिश किया, फिर मैं इंडिया वापस आया। मेरे कंपनी में भी ये टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने वापस चाइना का वीज़ा रीअप्लाई किया, मैं वापस चाइना गया। वो नवंबर महीना था। अब
नवंबर के बाद हमें पता है कि दिसंबर में सच्चिदानंद पादुका उत्सव होते हैं। हमारे घर में भी यूनाइटेड स्टेट्स में हम लोग पादुका हर साल लाते हैं, पूजा करते हैं। अब ये टाइम पे पादुका यूनाइटेड स्टेट्स में मेरे घर में पहुंच चुके थे, लेकिन मैं खुद मुंबई में अटका हुआ था क्योंकि मैं वापस नहीं जा सकता था। मैं चाइना गया और बापू से कहा कि बापू मेरा ऑफिस का दूसरा काम भी मैंने ख़त्म किया, अब मैं क्या करूं, अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया हुआ है। और आप भी वहां पे पहुंच चुके हैं, हम लोग जब भी चांस मिलता है, जब भी टाइम मिलता है, जब भी जो भी मोमेंट मिलता था तभी हम लोग शिव पंचाक्षर स्तोत्र भी पठन करते थे। तो जब मैं हांगकांग एयरपोर्ट पहुंचा, हांगकांग एयरपोर्ट में मैंने मुंबई आने के लिए इमिग्रेशन किया, तभी भी मैं टेंशन में था, लेकिन वही टाइम पे मुझे ईमेल आया कि आपका पेपर वर्क क्लियर हो गया है और आपका वीज़ा अभी हम लोग इशू कर सकते हैं, आप आपका पासपोर्ट लेके कभी भी आ जाइए। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइम पे क्योंकि अक्टूबर नवंबर का महीना था, दिवाली का टाइम था, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो भी इंडिया आए हुए थे, तो मेरी वाइफ और मेरे डॉटर वो दोनों यूनाइटेड स्टेट्स में अकेले थे, लेकिन मैं यहाँ पर था, चाइना में काम कर रहा था, वो लोग वहाँ पर अकेले थे। लेकिन वो टाइम पे उन्हें कुछ भी सिंपल सा कुछ फीवर भी नहीं आया या कुछ भी हो सकता था क्योंकि ठंडी का मौसम था, लेकिन कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। बापू ने उनका भी ध्यान परफेक्ट रखा, हम सबका भी ख्याल रखा और फाइनली दिसंबर में मेरा वीज़ा अप्रूव होके मैं दिसंबर में यूनाइटेड स्टेट्स में वापस चला गया। ये सब जो भी होता है ये सब बापू की कृपा है, और अगर बापू नहीं होते तो ये कभी नहीं हो सकता था। ये मेरा 100% हम सब का, मेरा ही नहीं हमारे फैमिली में सबका यही मानना है कि आज हम जो भी है वो सिर्फ बापू के वजह से है। हरिओम श्री राम अम्बन्या।